नमस्कार, सुप्रभात। भाग्य चक्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कीर्ति कंसल। आज क्या कहता है आपका भाग्य, आपका सितारा, ये जानेंगे। तो भाग्य चक्र के इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला है स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमान से आपका परिचय कराने का। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, फेमस ज्योतिष आचार्य अंजु वत्स जी। बहुत बहुत स्वागत है अंजु वत्स जी आपका। अंजु वत्स जी आज सबसे पहले बताएंगी कि आज का पंचांग क्या कहता है और फिर बताएंगी कि आपकी राशि क्या कहती है और आज की जरूरी सलाह। तो ये कार्यक्रम काफी खास रहने वाला है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, जो भी राशि आपकी है उसके अनुसार जरूर ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, इसी के साथ सलाह भी जरूर ध्यान से सुनिएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंजु जी और बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग 26 दिसंबर 2018, विक्रम संवत 2075, वार बुधवार, महीना पौष, ऋतु हेमंत, आयन उत्तरायण, तिथि पंचमी, पक्ष कृष्ण पक्ष, नक्षत्र मघा, चंद्र राशि सिंह और सूर्य राशि धनु। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। तो जो दर्शक पंचांग सुनने में इच्छुक है, जिन्हें जानना होता है कि आज का पंचांग क्या है, वो भी हमने आपको बताया सूर्य की क्या स्थिति है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है। और अब बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहली राशि मेष की बात करते हैं। मेष के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि वालों के लिए आज मन में किसी बात को लेकर बेचैनी रहेगी, वाद विवाद से जहां तक संभव हो दूर रहें, स्वजनों के व्यवहार से मन दुखी हो सकता है, मान सम्मान का ध्यान रखते हुए काम करें, नए कार्य के आरंभ में असफलता मिल सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी, महिला मित्रों से हानि हो सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उनके फेवर में नहीं है, इसलिए जरूरी सलाह ये कि आज आपको थोड़ा सा बचकर के रहना होगा, महिला मित्रों से आपको हानि मिल सकती है। इसी के साथ अगर आप आज नए कार्य कोई भी आरंभ करना चाहते हैं तो उसमें असफलता मिल सकती है, तो इसलिए आज अगर कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसे टाल दीजिएगा, कल या परसों आप शुरू कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन आपके फेवर में नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है, सब जो होगा वो अच्छा होगा। बात कर लेते हैं वृष राशि के लिए आज आर्थिक योजनाओं को पूरा करने में परेशानी आएगी, आज मित्रों से मिलकर मन प्रसन्न रहेगा, व्यवसायिक क्षेत्र में किसी का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आज नए कार्य आरंभ कर सकते हैं। तो अगर वृष राशि की बात की जाए तो नए कार्य आज आप आरंभ कर सकते हैं, दिन आपके फेवर में है, लेकिन थोड़ा सा आज अपने मित्रों के साथ अगर आप मिलकर के रहते हैं तो प्रसन्नता आपको मिलेगी, आपकी जो प्रसन्नता है वो दोगुनी हो जाएगी। व्यवसाय का क्षेत्र में भी आज का सितारा जो है वो आपका काफी अच्छा बोल रहा है, आपके फेवर में है ये दिन। और अब आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि आज आपके दिन का प्रारंभ शुभता लेके आया है, परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ आनंद पूर्वक समय बिताएंगे, खर्च अधिक ना हो इसका ध्यान रखिए, पूंजी निवेश का कार्य संभल कर करें, सहकर्मियों से सहयोग की प्राप्ति होगी। तो मिथुन राशि वाले जो हैं वो खुश हो जाइए, क्योंकि आज जो दिन है वो आपके फेवर में है, आज का दिन शुभता आपके लिए लेकर के आया है, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन की अगर आपकी बात करें तो थोड़ा सा आपको हाथ टाइट करके चलना होगा, अच्छे से निवेश करना होगा, सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ जो सहकर्मी है वो आपको सहयोग करेंगे, मित्रों का आपको सहयोग अच्छे से मिलने वाला है। अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। कर्क राशि आज आपके आय के साधन साथ ही व्यय भी अधिक रहेगा, आंखों की कोई समस्या परेशान कर सकती है, मानसिक चिंता रहेगी, मध्याह्न के बाद आपकी समस्या में कमी आएगी, आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा, शारीरिक और मानसिक परिस्थिति में भी सुधार होगा, होता हुआ दिखाई देगा। तो कर्क राशि वाले जो हैं आज अगर आपकी आय होगी तो आपका व्यय भी होगा, यानी कि अगर इनकम है तो आपका थोड़ा खर्चा भी है, आंखों की समस्या से थोड़ी आप जूझ सकते हैं, तो आंखों का थोड़ा ध्यान रखिए,
समय समय पर आंखों को ठंडे पानी से धोते रहिए और नींद आज आप प्रॉपर लीजिएगा, क्योंकि आंखों की समस्या आज आपको आ सकती है। थोड़ी सी मानसिक टेंशन भी बनी रहेगी, इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ जाने की कोशिश कीजिए, अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। मतलब अपनों में थोड़ा समय अगर आप बिताएंगे तो शायद जो मानसिक टेंशन जो आपके साथ बनने वाली है उससे आप थोड़ा दूर रह सकेंगे, थोड़ा आप उससे आपको निजात मिलेगा। और इसी के साथ मध्याह्न के बाद यानी कि दोपहर तक आपका थोड़ा सा दिन गंदा जाएगा, गंदा नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा टेंशन में जा सकता है आपका दिन, लेकिन उसके बाद शाम को आपका दिन जो होगा वो आपके फेवर में होगा, इसीलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? सिंह राशि वालों के लिए आज मन में क्रोध और आवेश की भावना रहेगी, लोगों के साथ संभल कर व्यवहार करें। सेहत के मामले में आज का दिन शुभ नहीं है, मन में व्यग्रता रहेगी, दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी। परिजनों के साथ खान पान का प्रोग्राम बनेगा, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। तो जिस तरह से हमने मिथुन राशि वालों को सलाह दी कि थोड़ा सा निवेश पर ध्यान रखें, उसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए भी यही है, थोड़ा सा आपको खर्च पर ध्यान रखना होगा, सोच समझ करके खर्च करना होगा। और आज क्रोध और आवेश की भावना आएगी, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको क्रोध कम करना होगा ताकि आप जितने भी डिसीजन आज के दिन ले पाए वो सही से ले पाए। अपनी बुद्धि को बिल्कुल सोच समझ करके सेंटर में रख करके कोई भी डिसीजन ले पाए, लेकिन मध्याह्न के बाद जो आपका दिन होगा वो आपके फेवर में होगा। इससे पहले थोड़ा सा क्रोध के कारण आपका दिन थोड़ा सा स्पॉइल हो सकता है, लेकिन वो कंट्रोल आपके हाथ में है, आप किस तरह से अपने क्रोध को कंट्रोल में रखते हैं और इस पूरे दिन को अपने फेवर में कर लेते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपकी व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में लाभ होगा, सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी, परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा, स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहेगा, वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। बिल्कुल, ये जरूरी भी है, ये सिर्फ ना सिर्फ कन्या राशि वालों के लिए बल्कि सभी राशि वालों के लिए है कि थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि वाणी से बड़े बड़े दुर्घटनाएं सामने आ जाती हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वाणी पर संयम जरूर रखना होगा, सोच समझ करके बोलना होगा। सामाजिक क्षेत्र में कुल मिलाकर के बात कर ली जाए तो आपकी आज प्रशंसा होने वाली है। आज का जो दिन है उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 थोड़ा सा जो दिन है वो आपके फेवर में नहीं है, लेकिन उसको कैसे फेवर में बनाना है ये आपको सोचना होगा, क्योंकि हमने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि किस किस पॉइंट्स पर कहां कहां आप पीछे रह रहे हैं और कहां कहां आज का दिन आपके फेवर में है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? तुला राशि वालों के लिए आज शारीरिक और मानसिक सुख अच्छा रहेगा, यानी खुशी रहेंगे उसमें। व्यवसाय और व्यापार में आप उत्साहपूर्ण कार्य करेंगे, सरकारी कार्य सरलतापूर्वक होंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन निवेश के लिए समय अनुकूल है, संतान और जीवन साथी की ओर से लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो सरकारी कार्य जो होंगे आज आपके सफलतापूर्वक संपन्न होंगे, संतान की ओर से भी आज आपको शुभ समाचार मिलने वाला है, सहयोग मिलेगा, वो आपका आशीर्वाद भी आकर आपको लेंगे और आपको अच्छा फील कराएंगे। इसी के साथ शारीरिक और मानसिक जो सुख रहने वाला है वो भी आज आपके फेवर में रहने वाला है, अच्छा रहेगा। ये दिन कुल मिलाकर के आप ही के फेवर में है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन विरोधियों और सहकर्मियों के साथ वाद विवाद में ना पड़े, संतान के साथ मतभेद होने की संभावना है, गृहस्थी में आनंद बना रहेगा, सरकारी कार्य पूरे होंगे आपके, व्यवसाय के लिए समय ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यवसाय के लिए समय बिल्कुल ठीक है, संतान की ओर से मतभेद होने की थोड़ी सी संभावना है। देखिए जनरेशन गैप जो होता है उसे समझना होगा, अपने संतान जो भी आपकी कहती है थोड़ा आपको समझना होगा, तालमेल बिठाना होगा, कम्युनिकेशन गैप ना हो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। गृहस्थी में आनंद इसके अलावा बना रहेगा, लेकिन संतान की ओर से मतभेद बन सकता है, इसके अलावा गृहस्थी की अगर बात कर ली जाए तो आनंद बना रहेगा। और अब बात कर लेते हैं धनुराशि वालों की। जी धनुराशि आज आपको सावधानी बरतनी होगी, क्रोध से हानि हो सकती है या नुकसान हो सकता है क्रोध करने से,
व्यवसायिक क्षेत्र में कर्मचारियों का व्यवहार नकारात्मक रहेगा। संतान से संबंधित विषयों को लेकर चिंतित रहेंगे आज आप। महत्वपूर्ण कार्यों में सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। तो धनु राशि वाले जो हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्रोध पर थोड़ा संयम रखना होगा, क्रोध नहीं करना होगा, क्योंकि क्रोध से सारे काम बिगड़ जाते हैं, बनते कुछ भी नहीं है। क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा आपको। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? मकर राशि वाले, आज का दिन आज मित्रों और संबंधियों के साथ आप कहीं पिकनिक या घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएंगे। वाहन सुख और मान सम्मान मिलेगा, खर्च अधिक होगा, अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मकर राशि वालों के लिए भी यही सलाह है कि क्रोध पर थोड़ा काबू रखना होगा। वाहन का जो है, और इसी के साथ वाहन सुख मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, घूमने फिरने का आयोजन हो सकता है, आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं, तो इसीलिए अगर आप घूमने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मानसिक जो संतुलन होगा वो भी ठीक होगा, खर्च भी होगा, खर्च पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है? कुंभ राशि वालों के लिए आज काम में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप मनोरंजन का कार्यक्रम बनाएंगे, यानी कहीं जाने या घूमने का, मित्रों और स्वजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा आपका। कुंभ राशि वाले जो हैं आज उनको सफलता मिलेगी, घूमने कहीं आज आप जा सकते हैं, यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी, जो भी आपने कर्म पहले किए होंगे उसके फल आज आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, और इसी के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम बनाएंगे आप, क्योंकि घूमने फिरने जा रहे हैं तो घूमने फिरने के साथ मनोरंजन भी होगा, तो ये दिन आपके फेवर में है। सबसे आखिर वाली राशि मीन राशि आज क्या कहती है? मीन राशि वालों के लिए आज दिन अच्छी तरह से बीतेगा आपका। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आज मित्रों से मिलकर आनंद की प्राप्ति होगी, घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, आज आर्थिक लाभ होने की संभावना दिखाई देती है, स्वभाव में क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, रुके कार्य पूर्ण होंगे। क्रोध की मात्रा आज अधिक रहेगी। अंजू जी, जितनी भी राशियों की हमने लगातार बात करी है, आज सब में से एक ही बात निकल कर के आ रही है कि क्रोध आज जो है सभी राशियों में बना हुआ है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्रोध पर कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा आज मित्रों से आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के ये दिन भी आपके फेवर में है। लेकिन अगर कहीं भी कोई कमी रह जाती है तो वो क्रोध की वजह से रह जाती है, क्रोध को बिल्कुल अलग करना होगा। अगर क्रोध आता भी है तो थोड़ी देर शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहस मत कीजिए, क्रोध को कंट्रोल कीजिए, अपने दिन को स्पॉइल मत कीजिए। आज की सलाह हम ले लेते हैं अंजू वत्स जी से, जितने भी दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, रोज हम किसी ना किसी विषय पर सलाह देते हैं, आज बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है स्टडी में, और वो लगातार परेशान होते हैं, कभी कम मार्क्स आते हैं तो कभी पेरेंट्स जो है वो उनसे सेटिस्फाई नहीं होते, पेरेंट्स लगातार प्रेशर बनाते हैं कि अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं विद्यार्थी दे पाते। किस तरह से विद्यार्थी ध्यान लगाए पढ़ाई में, किस तरह से अच्छे मार्क्स लाए, और किस तरह से वो ये डिसीजन ले कि उन्हें किस लाइन में जाना है, ज्योतिष आचार्य या फिर वास्तु शास्त्र आज क्या कहता है? इस पे हम आज वास्तु शास्त्र के कुछ रोशनी डालेंगे, क्योंकि जब स्टडी का अगर बात आती है तो बच्चों के पढ़ने का कमरा या फिर उनकी दिशा, थोड़ा सा अगर हम ये चीजें सही कर लें तो बच्चों का पढ़ाई में मन यानी कंसंट्रेशन ठीक हो जाता है। तो हम अगर आज वास्तु के जरिए से इसको कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज। अगर आपको जन्म पत्री में बुधादित्य योग है, सूर्य और बुध अगर कुंडली में एक संग किसी की जन्म पत्री में है तो कंसंट्रेशन और पढ़ने की चीजें ये अपने आप ठीक होती हैं, पर किसी के नहीं है तो हम उसकी वजह से लगन बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, बुध अच्छा होना चाहिए अध्ययन के लिए जन्मपत्री से, तो हम ज्योतिष में इस तरीके से देखते हैं। अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु में बच्चों का जो स्टडी का जो रूम है उसका किस तरीके से हम ध्यान रखें, कभी कभी जैसे दीवारों का बच्चे भी दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ने लगते हैं, करके ना पढ़ें, दीवार की तरफ मुख ना करें, जब कोई दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ता है तो अध्ययन का वीकनेस आती है। आप खिड़की दरवाजे के सामने मुंह करके पढ़ें, दीवार आपके पीठ के पीछे होनी चाहिए। सही दिशा में बैठकर पढ़ाई के लिए बैठते समय उत्तर या पूरब की तरफ
मुख करके बैठना चाहिए। अध्ययन कक्ष में कूड़ा करकट कचरा वाली चीजों को नहीं रखना चाहिए। सफाई से स्वच्छता सकारात्मक ऊर्जा का भी ध्यान रखें, इसके मन पर असर पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। पढ़ने वाले रूम में उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। अध्ययन कक्ष में चीजें बिखरी हुई नहीं रहनी चाहिए, इन्हें ठीक ढंग से व्यवस्थित करें। आप अपनी स्टडी टेबल पर गणेश जी की मूर्ति रखें, कोई भी गणेश जी का चित्र भी लगा सकते हैं या कोई मूर्ति, अगर हरे रंग की हो तो बहुत अच्छा। मनी प्लांट का पौधा भी लगाएं कमरे में, दक्षिण पूर्व के कोने में मनी प्लांट का पौधा लगा सकते हैं आप। अपनी पढ़ाई में काफी चीज मदद मिलेगी इन चीजों से आपको। तो ये विशेष उपाय है जो हमने आपको बताए हैं। विद्यार्थी जो विशेष तौर पर यह कार्यक्रम देख रहे होंगे उनके लिए ये आज का अंक जो है काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि हमने आपको वो मेन पॉइंट्स बताए हैं जिसके जरिए आप अच्छे से स्टडी में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आप गणपति बप्पा को अपने साथ लेकर के चलिए, क्योंकि गणपति बप्पा बुद्धि के देवता माने जाते हैं। अगर आप गणपति बप्पा को अपने साथ रखते हैं तो बुद्धि जो है वो आपकी स्ट्रोंग होगी, स्टडी में आपका मन लगेगा, दीवार की ओर मुंह करके ना पड़े, खिड़की की ओर मुंह करके पड़े। ये विशेष पॉइंट्स है जो हमने आपके साथ साझा किए हैं, जरूर आपने सुने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुवत्स जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और तमाम वो दर्शक जो लगातार ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी का शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम के साथ और बात करेंगे आपके भाग्य की, आपके सितारे की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।